खुशियाँ पराई होती हैं, इसलिए सब में बांट दी जाती हैं। दर्द सिर्फ अपने होते हैं, इसलिए दिल में रखने पड़ते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका शर्मा जी इन्फिनिटी चैनल पर। आप सब अनुपमा सीरियल देखते हैं क्या? ये तो बहुत पॉपुलर हो चुका है, यानी कि ये अनुपमा सीरियल देखते ही देखते छोटे पर्दे का सबसे पॉपुलर सीरियल बन चुका है। स्टार प्लस का पॉपुलर शो अनुपमा 13 जुलाई 2020 से शुरू हुआ था और अभी तक ये शो चल रहा है। अनुपमा शो मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे आता है। यह सीरियल दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है, विशेषकर लेडीज को। अनुपमा सीरियल शुरुआत से ही टीआरपी रेटिंग में हमेशा ही टॉप 5 की लिस्ट में रहा है। यह सीरियल अक्सर दूसरे या तीसरे नंबर की टीआरपी रेटिंग में आता है। मेकर्स प्लांट को मजेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं रूपाली गांगुली को उनके किरदार अनुपमा के लिए खूब प्यार मिल रहा है। अनुपमा धारावाहिक की स्टार कास्ट में रूपाली गांगुली, सुधांशु पांडे, मुस्कान बामने, पारस कलनावत जैसे कलाकार शामिल हैं। इस शो की मेन लीड रूपाली गांगुली ने सीरियल के अलावा मूवी में भी काम किया हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली अनुपमा रूपाली गांगुली नहीं बल्कि कोई और है? जी हाँ, रूपाली गांगुली से पहले कोई और अदाकारा है जो अनुपमा का ओरिजिनल किरदार कर चुकी है। क्या आप जानते हैं कौन है वो? उस अदाकारा का नाम इंद्राणी हल्दर है। क्या आपको पता है कौन है इंद्राणी हल्दर? चलिए जानते हैं। दरअसल अनुपमा टीवी सीरियल की ओरिजिनल कहानी श्री मोई टीवी सीरियल की है। श्री मोई टीवी सीरियल एक बंगाली धारावाहिक है जिसका प्रसारण स्टार जलसा पर हो रहा है। इसका प्रीमियर 10 जून 2019 को हुआ था और सीरियल में श्री मोई का किरदार इंद्राणी हल्दर निभा रही हैं। इसी बंगाली सीरियल का हिंदी रीमेक अनुपमा है। इसमें अनुपमा का रोल रूपाली गांगुली निभा रही हैं। साल 1986 में इंद्राणी हल्दर ने बंगाली टीवी सीरीज तेरो परबोन से अपनी शुरुआत की थी। कई फिल्मों, टेलीफिल्मों और टीवी शोज में दिखाई दे चुकी इंद्राणी हल्दर ने बीआर चोपड़ा के शो माँ शक्ति में अहम रोल किया था। इंद्राणी हल्दर एक भारतीय अभिनेत्री होने के साथ साथ बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्हें एक बार नेशनल अवार्ड, 3 बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार और 2 आनंद लोक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगर आप देखते हैं ये सीरियल तो बहुत अच्छा है। आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।